बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म की मेकअप स्टिक। इसे टीवी पेंट स्टिक भी कहा जाता है, इसे मेकअप स्टिक भी कहा जाता है, इसे बेस स्टिक भी कहा जाता है। तमाम चैनल पे व्यूवर से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में रिव्यूज़ भी देंगे, इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताएँगे और इसका काम क्या है बेसिकली वो भी आपको बताएँगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी है पैकिंग, क्रायलॉन प्रोफेशनल मेकअप टी वी पेंट स्टिक। ये आप देख सकते हैं मेकअप इज़ द साइंस क्रायलॉन.com। ये आप इसकी डिस्क्रिप्शंस में जो भी मेंशन है इंग्रेडिएंट्स में वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मेड इन जर्मनी, ये जर्मनी की है। 25 ग्राम इसका वज़न है। सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, लंदन, मतलब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये टी वी पेंट स्टिक है। अगर इसकी बात की जाए, इसमें शेड्स की F13W, FS45, 1W एवरी हो गया, और इसके अलावा FS36 हो गया और 38, ये सारे के सारे आपको इसके अंदर कलर और शेड मौजूद हैं और आपको मिल जाएंगे। अगर रही बात आपको ये अलग अलग शेड्स की, तो ये हर तरह की स्किन के लिए अलग टाइप की स्टिक यूज़ की जाती है। जैसे किसी का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो उसके लिए अलग नंबर यूज़ होगा, किसी का कलर नॉर्मल है तो उसके लिए नॉर्मल स्टिक वाला जो नंबर होगा वो यूज़ होगा। क्योंकि बेस कोई भी आप लेते हैं, उसे लेने का तरीका यही होता है जो आपके फेस के ऊपर सूट करे, जो आपके फेस के ऊपर प्रॉपरली सूट करे, आप वो बेस हमेशा परचेज करें। और आप ये देख सकते हैं, हम ये इसकी ये पैकिंग है और स्क्रैच एंड सेंड टू क्रायलॉन स्पेस 8-डिजिट पिन और 8 वेरीफाई दिस प्रोडक्ट इज़ ओरिजिनल। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर स्क्रैच कोड है, क्योंकि आजकल मार्केट में कॉपी बहुत अवेलेबल हैं और हर चीज़ की कॉपी आती है। आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर ये स्क्रैच कोड दिया हुआ है, जो कि आपने इनके इस कंपनी के नंबर पर सेंड करना है, जो इसे वेरीफाई करेगा कि ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अगर बात की जाए इसके शेड की, तो ये कौन सा शेड है, F1 शेड है। ये बेस के तौर पर यूज़ की जाती हैं स्टिक्स, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी ये स्टिक है। इनका जो बेसिकली इस्तेमाल होता है, स्टिक सबसे ज़्यादा गर्मियों में यूज़ की जाती है। गर्मियों में यूज़ करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल फ्री और ऑयल कंट्रोल किस्म की बेस होती है। ये आप देख सकते हैं, ये ज़रा सा मैंने इसे वन टच मूव किया है, ये मेरी उंगली के ऊपर अप्लाई हो गई है। अगर आप कोई बेस नहीं यूज़ करते तो आप इसे ट्राई लाजमी करें। इसके अंदर आपको टोटली हर तरह के शेड अवेलेबल होंगे और ये इसके ऊपर स्क्रैच कोड भी मौजूद है। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, कॉपी है, किस तरह का है, तो ये स्क्रैच कोड आप इसे स्क्रैच करें और इसको इस नंबर को, इस कंपनी के नंबर पर सेंड करें, ताकि आपको वेरीफिकेशन मिल सके कि ये एक अच्छी और ओरिजिनल टी वी पेंट स्टिक है। मेकअप के अंदर इसका सबसे अहम किरदार अदा होता है, क्योंकि ये बेस के तौर पे इस्तेमाल होती है और हर स्किन के हिसाब से हमारे पास इसके शेड्स मौजूद हैं। और अगर आप ये सब हमसे परचेज़ करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, हमसे रابطہ करें, कॉन्टेक्ट करें और जो भी आपका ऑर्डर हो वो आप हमें बताएँ। और वीडियो के बारे में कोई भी आपको कुछ भी आपको चाहिए हो मेकअप के हवाले से, वीडियोज़ का जो भी हो, आप हमें बताएं। और अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आगे प्लीज़ हमें रिव्यूज़ दें और हमें बताएं कि ये प्रोडक्ट कैसी है। और हमारे व्यूवर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।